हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बयानबाजी करने में जरा सा पीछे नहीं हटते। आज उन्नाव संसदीय कार्यालय में साक्षी महाराज ने पत्रकारों से मुलाकात की, उनके सवाल पर विपक्ष पर निशाना साधा। मायावती की तरफ से दिए गए बयान, बीजेपी भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है, उसकी भी यही दुर्दशा होगी। इस पर साक्षी महाराज ने मायावती को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, मायावती हमारी चिंता ना करे, पार्टी की चिंता करे। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, सारे विश्व में डंका बज रहा है। मोदी, अमित शाह, योगी जैसे लोगों के नेतृत्व में पार्टी काम कर रही है। हमारे पास राजनीतिक चाणक्य हैं, हमें किसी के सलाह की जरूरत नहीं। साक्षी महाराज ने कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी पर भी जमकर निशाना साधा। मायावती ने यदि बीजेपी भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलती रही तो इस पार्टी का भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का हो चुका है। इस पर बीजेपी को गंभीरता से सोचना चाहिए। बहन, मायावती जी की सलाह का हम सम्मान करते हैं, परंतु साथ ही निवेदन करते हैं कि वो हमारी चिंता न करें, अपनी पार्टी की चिंता करें। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसका सारे विश्व में डंका बज रहा है। माननीय मोदी जी, अमित शाह, योगी जी जैसे लोगों के नेतृत्व में पार्टी काम कर रही है, तो हमारे पास राजनीति के चाणक्य हैं, हमें किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। 2014 में बीजेपी महंगाई का मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ी थी और जनता ने भरोसा करके उनको सरकार बनाई दी थी। जब से लेकर अब तक डीजल, पेट्रोल और गैस के लगातार रेट बढ़ रहे, यहाँ तक कि यार पेट्रोल 100 के करीब हो गया है, इस पर क्या क्या है? डीजल, पेट्रोल, गैस जिस बाजार के आधार पर निर्धारित होते हैं, मूल्य वृद्धि हुई है, इससे नकारा नहीं जा सकता। हम भी चिंतित हैं, सरकार भी चिंतित है, क्या रास्ता भविष्य निकल सकता है, प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी लगातार कर रहे हैं। उन्होंने एक अवैसी पार्टी पर हमला बोला है, कहा है कि अवैसी पार्टी जो है वो बीजेपी की जुड़वा भाई है, जहाँ भी वो चुनाव लड़ती है वहाँ पर कांग्रेस का नुकसान करती है। वो जीतने के लिए नहीं बल्कि बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लगातार लड़ती रहती है, इस पर आप क्या करेंगे? हम आदरणीय तिवारी जी से कहेंगे, बड़े नेता हैं और कांग्रेस में अकेले तिवारी जी ही रह गए हैं, कांग्रेस है ही नहीं जिसका नुकसान ओबीसी करेंगे। अब तुष्टिकरण की राजनीति में ओबीसी, कांग्रेस और सपा रिकॉर्ड तोड़ रही है, ये सब मिलकर के भी लड़े तब भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई टिक नहीं सकते। इसलिए प्रमोद तिवारी की इस टिप्पणी पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उनकी स्थिति तो ये होगी कि सियानी बिल्ली खम्बा नोच रही है, कांग्रेस कहीं है ही नहीं। जब ओबीसी नहीं थे तो तुम और अखिलेश मिलकर लड़े थे, तो क्या कर लिया था? तो कांग्रेस की सारे देश में कहीं स्थिति नहीं है, कांग्रेस देश से ही विदा होने वाली है। 2022 में अखिलेश यादव का कहना है कि छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे, वहीं सुप्रीमो मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी दोगली पार्टी है, उन पर मतदाताओं का भरोसा करना गलत है, इस पर आप क्या कहेंगे? अखिलेश का जवाब तो मायावती जी ने दे दिया, और जहां तक अखिलेश का ये कहना है छोटी पार्टियों पर, अब आदमी अपनी किस्मत अजमाता है, बड़ी पार्टियों के साथ समझौता करके देख लिया उन्होंने, बहन मायावती के साथ देख लिया, कांग्रेस के साथ देख लिया, अब लगता है कि शायद छोटी पार्टियों से कहीं हमारा भाग्य बदल जाए, तो प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं होती है, वो प्रयास करके देखें। पर मुझे लगता है आने वाले 1-2 दशक तक भाजपा का कोई विकल्प हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में कहीं है ही नहीं। जिस तरह से 2022 की तैयारी बीजेपी लगातार कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बीजेपी के मंत्रियों में घमासान मची हुई है, क्या 2022 में कोई नया मुख्यमंत्री के चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ेंगे? मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, ये सपा बसपा कांग्रेस की तरह लिमिटेड कंपनी नहीं है। पत्राण भाई अखिलेश जो कहे थे जो सही, पत्राण भाई बहन मायावती जो कहे सो सही, और पत्राण भाई सोनिया गांधी जो कहें सो सही, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी
बैठक में निर्णय होता है संसदीय दल में, तो चुनाव के बाद निर्णय किया जाएगा कौन मुख्यमंत्री रहेगा। लेकिन अभी माननीय योगी जी का कोई जोड़ तोड़ आमने सामने कहीं है नहीं, पूरा प्रदेश योगी जी के साथ खड़ा हुआ है, पार्टी भी योगी जी के साथ खड़ी है। हाल में अभी इन्होंने राष्ट्रपति जी कानपुर यूपी दौरे पे आए थे, उन्होंने इनकम टैक्स को लेके कि 5,000 में सैलरी पौने 2 लाख पौने 3 लाख रुपये हमारा टैक्स कटता है। जब एक राष्ट्रपति का इतना टैक्स कटता तो एक आम आदमी के जनजीवन पे कितना सा पड़ता होगा जो ये सब टैक्स लगे हुए हैं, वाटर टैक्स, बिजली टैक्स, दुनिया भर टैक्स जो लगे हुए हैं। आप सोच लीजिए अगर राष्ट्रपति चिंतित हैं तो इसमें हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति जी स्वयं प्रधानमंत्री से वित्त मंत्री से बात करेंगे और ये नीतिगत निर्णय होते हैं, हो सकता है आने वाले बजट सेशन में पार्टी कुछ संदर्भ में निर्णय कर सकती है।